राग गौड़ मल्हार। राग गौड़ मल्हार की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है। इस राग में दोनों निषाद अर्थात कोमल नि और शुद्ध नि प्रयोग किए जाते हैं तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है, संवादी स्वर षडज यानी स है। इस राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है एवं ये वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है। राग गौड़ मल्हार के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह। और अवरोह इस प्रकार है। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। रे गा रे मा गा रे सा रे पा मा पा रा सा रा पा मा। अब प्रस्तुत है राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई। रे ग रे म ग रे सा सा रे ग रे ग ग म प म ग रे ग रे म ग रे सा सा रे ग रे ग ग म प म ग नि सा सा द नि प प रे ग रे ग ग म प म ग नि सा सा द नि प प रे ग रे ग ग म प म ग रे ग रे म ग रे सा सा रे ग रे ग ग म प म ग रे ग रे म ग रे सा सा रे ग रे ग ग म प म ग। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। प प प नि नि सा 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 रे सा सा प प प नि नि सा 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 रे सा सा ध सा 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 रे सा सा ध नि प प ध सा 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 रे सा सा द प म प म ग म म
प ध स द प म प म ग रि ग रि म ग रि स स रि ग रि ग ग म प म ग रि ग रि म ग रि स स रि ग रि ग ग म प म ग। अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका। अब इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल हैं उमड़ घुमड़ कर आते बादल। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। उमड़ घुमड़ कर आते बादल, उमड़ घुमड़ कर आते बादल, शीतल जल भर लाते बादल, शीतल जल भर लाते बादल, उमड़ अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। झूम उठे अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका। साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना।